पिछले 5000 सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है इस कुंड का रहस्य। सदियों से कायम है इस कुंड का राज और आज तक कोई नहीं नाप सका इस कुंड की गहराई। तो आखिर क्या है इस चमत्कारी कुंड का राज? क्यों नहीं नाप सका कोई इस कुंड की गहराई को? और क्या हुआ तब जब कुछ शोधकर्ताओं ने लगाई इस कुंड में डुबकी? उसके बाद जो रहस्य सामने आए उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित इस कुंड पर वर्षों से शोध चल रहा है। सदियों पुराना ये कुंड वर्षों से वैज्ञानिकों के जांच का केंद्र बना हुआ है। आए दिन वैज्ञानिक इस कुंड पर अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन आज भी कोई इस कुंड को पूरी तरह नहीं समझ पाया और उसके प्रति कुछ प्रश्न आज भी वैसे ही बने हुए हैं। आखिर किसने किया था इस कुंड का निर्माण? कितनी है इस कुंड की गहराई और क्या है भारत के इस प्राचीन कुंड की कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान शिव जी की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाजना नामक प्राचीन गांव। इसी गांव में स्थित है अत्यंत प्राचीन रहस्यमयी कुंड जिसको भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस भीम कुंड को महाभारत काल से जोड़ते हैं। उनके अनुसार इस चमत्कारी कुंड का निर्माण महाबली भीमसेन ने किया था। महाभारत कालीन इस चमत्कारी कुंड की कहानी तब शुरू हुई जब पांडव अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे। पांडव ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। एक लंबे जंगल को पार करने के बाद पांडव थक गए और प्यास से उनका गला सूखने लगा। उन्हें आसपास कोई भी तालाब या नदी नहीं दिखी जहां से पानी पीकर वे अपनी प्यास को शांत कर सके। तभी महाबली भीमसेन ने क्रोध में उस स्थान पर अपने गदा से भयानक प्रहार किया। उस गदा की चोट इतनी गहरी थी कि वहां की धरती अंदर की ओर धंस गई और उसमें पानी का सृजन होने लगा। इस प्रकार वहां उस कुंड का निर्माण हुआ और सभी पांडवों ने अपनी प्यास को शांत किया। इसी घटना के बाद उस कुंड को भीम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। एक लंबे समय तक भीम कुंड पांडवों का प्राकृतिक आश्रय स्थल रहा, लेकिन आज के समय में महाभारत कालीन इस भीम कुंड में एक संस्कृत विद्यालय संचालित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर भी स्थित है और हर वर्ष मकर संक्रांति पर यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। लेकिन भीम कुंड की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक कोई भी इस कुंड की गहराई का पता नहीं लगा सका। अनेकों शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस कुंड को बारीकी से जांच चुके हैं, लेकिन आज तक वे इसकी वास्तविक गहराई का पता नहीं लगा पाए। माना जाता है कि भीम कुंड अपनी जमीन के अंदर से प्रवाहित प्रबल जल धारा के कारण बना है, लेकिन इस विषय में आज तक कोई भूजल वैज्ञानिक ये पता नहीं कर सका कि आखिर ये जल धारा किस जल स्रोत से जुड़ी हुई है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भीम कुंड से निकली जल धारा अंदर ही अंदर प्रयागराज के संगम में जाकर मिलती है। कहा जाता है कि वर्षों पहले किसी ने इसका रहस्य जानने के लिए इसमें कोई वस्तु डाली थी जो संगम में मिली थी। भीम कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि
कि ये भारत में होने वाली आपदाओं को पहले से ही भांप लेता है और उस समय इस कुंड का पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि सुनामी आपदा के समय इस कुंड में करीब 80 फीट तक ऊंची लहरें उठी थी, जिसके बाद से भीम कुंड देश विदेश की मीडिया की सुर्खियां बना था। अपने आप में अद्भुत ये रहस्यमयी कुंड कई कारणों से लोगों की जिज्ञासा और शोध का केंद्र रहा है। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने और इस कुंड की सच्चाई को जानने एक डिस्कवरी की टीम भी यहाँ जांच के लिए आई। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम भीम कुंड का रहस्य जानने आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इस कुंड में गोते लगाए, पर वो ना तो इसकी गहराई माप सके और ना ही ये पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का क्या कारण था। लेकिन उन्हें भीम कुंड की गहराई में कुछ विचित्र और लुप्त प्राय जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले और अंत में बिना किसी विशेष जानकारी के डिस्कवरी की टीम भी वापस लौट आई। भीम कुंड के जल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये अत्यंत निर्मल और नीले रंग का पारदर्शी जल है, जिसकी वजह से कुंड की काफी गहराई तक अंदर तक की चीजें साफ नजर आती हैं। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसा गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। जमा होने के बावजूद भीम कुंड का पानी कभी गंदा नहीं होता, जो इसके रहस्यों को और अधिक बढ़ा देता है। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी के नीचे का जल स्तर बहुत मजबूत है। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब कोई भी प्रलय आने वाली होती है तो इस कुंड का जल स्तर क्यों बढ़ जाता है। इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और ये कभी खराब नहीं होता, जबकि ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो क्या आप महाभारत कालीन इस दिव्य भीम कुंड के विषय में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।